डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी afternoon who are currently watching to me i pragati kachi and i welcome you all at chaitanya studio at dr babasaheb Ambedkar open university so we are on a lecture series of principle of management where we have been studied about block number one unit number one in previous lecture in this video we are going to study about block number one that is introduction to management अंडर दिस वी विल स्टडी अबाउट यूनिट टू दैट इज मोर ऑन मैनेजमेंट प्रीवियस वीडियो में हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन कैरेक्ट्रिस्टिक्स फंक्शन प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस के बारे में समझा था आज के वीडियो में हम फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट मैनेजीरियल स्किल्स रोल्स ऑफ अ मैनेजर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन इसको क्यों कहा जाता है वो सारी बातें आज की वीडियो लेक्चर में समझेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड दैट इज इंट्रोडक्शन मोर ऑन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन राइट डेफिनेशन मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैनेजमेंट में इंक्लूड की गई है तो वो सारी बातें हमको इस लेक्चर में समझना है तो स्टार्ट करेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट से हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी मैनेजमेंट हो ठीक है उसके चार फंक्शनल एरियाज़ होते हैं फर्स्ट वन इज़ अ फाइनेंस जिसमें मनी और मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के बारे में सारा रिकॉर्डिंग होता है दूसरा होता है एच आर दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स कितने लोगों को रखना है कितनी सैलरी पर रखना है किसको क्या जॉब रोल देना है ये सारा काम कौन करता है एच आर करता है प्रोडक्शन जिसको हम ऑपरेशन एंड मार्केटिंग के अंदर रखते हैं स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि पर्टिकुलर एक हमारा गोल है ठीक है उसके लिए हमने कुछ माइल्ड बनाए हैं तो कितने टाइम में हमको उसको कैसे अचीव करना है इन सब के लिए हम क्या बनाते हैं स्ट्रेटजीज बनाते हैं टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स की सारा काम एक इंसान नहीं कर सकता है उसको कुछ टेक्नोलॉजी की भी हेल्प लेनी पड़ती है ताकि हमारा काम करने का तरीका जो है वो क्या हो स्मार्ट हो हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ता है हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी सर्विसेज हैं वो क्या होना चाहिए कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए अप टू द लेटेस्ट डिमांड ऑफ मार्केट होना चाहिए अब हम बात करेंगे मैनेजरियल स्किल्स की कि एक मैनेजर के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होना चाहिए सबसे पहली स्किल तो होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ काम को करने की क्या होना चाहिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए एबिलिटी होनी चाहिए वो एक पर्टिकुलर फील्ड में उस चीज़ का मास्टर होना चाहिए टू अचीव द रिजल्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयी नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल। फॉर एग्जांपल कि काम कैसे करना है कैसे करवाना है ये सारी एबिलिटीज उसके अंदर होना चाहिए मैनेजमेंट स्किल्स आर सर्टेन क्वालिटीज और एबिलिटी मैनेजर शुड प्रोसेस इन ऑर्डर टू कम्प्लीट अ पर्टिकुलर टास्क और वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए जितने भी लोग काम करते हैं उनके अंदर प्रॉप पर क्वालिटीज होनी चाहिए एबिलिटीज होनी चाहिए एक मोटिवेशन होना चाहिए जो अंदर से आना चाहिए द स्किल्स आर डिफरेंट टाइप्स अ ब्रॉड आईडिया फॉर द टाइप्स ऑफ स्किल इज गिवन लो सबसे पहली स्किल्स होनी चाहिए हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए टेक्निकल चीजें उनको आनी चाहिए ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल मीन्स थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए उनका उनको नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ सकने वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उनको अंदर से ये फील होना चाहिए आई एम द लीडर मैं इस कंपनी को चला रहा हूँ इस कंपनी का क्या होगा अगर मैं अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ नहीं करूँगा देयर शुड बी ए प्रॉपर कम्युनिकेशन अमंग ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी काम करने वाले लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारे पास इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को हम पॉजिटिव तरीके से कम से कम समय में कितने जल्दी उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं हम उसमें पॉजिटिविटी कैसे देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोलते हैं हमारे अंदर क्विक डिसीज़न लेने की क्षमता होनी चाहिए क्विक डिसीज़न मीन्स फॉर एग्जाम्पल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे चैलेंजेस को देखना पड़ता है उसमें से आप इतने कैपेबल हों कि कौन सा डिसीजन कब लेना है और वो डिसीजन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर में होगा कि नहीं ये सारी कैपेबिलिटीज आपके अंदर होना चाहिए अब हम बात करेंगे कि ये हार्ड स्किल्स क्या होती हैं हार्ड स्किल्स में क्या होती है कि हमारा नॉलेज कितना डीप है हम कितने पढ़े लिखे हैं हम कितने क्वालिफाइड हैं हमें कौन-कौन सी लैंग्वेज आती हैं क्या हमें अकाउंटिंग आता है क्या हमें किसी मशीन को ऑपरेट करना आता है क्या मैं सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हूँ क्योंकि ये सब चीजें अगर आपको नहीं आएंगी तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आईसीटी बेस्ड है आप अच्छे मैनेजर नहीं कहलाओगे सॉफ्ट स्किल्स के अंदर पर्सनल एंड इंट्रा पर्सनल स्किल्स आती है लाइक like, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं ये मायने नहीं रखता आप सेंडर हो इन्फॉर्मेशन के आपने जो बात की है वो सामने वाली पार्टी को समझ में आना चाहिए और समझने के बाद उस बंदे का फीडबैक पॉजिटिव होना चाहिए उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए किस एज लेवल के बंदे के साथ आपको क्या बात करनी है आपके बैठने का एटिकेट्स आपका बात करने का एटिकेट्स ये सब एक एज एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए जो इंसान खुद को नहीं सिखा सकता वो दुनिया को क्या सिखाएगा आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप सामने वाली पार्टी को कभी कुछ सिखा नहीं सकते आपके अंदर टीम वर्क स्किल होनी चाहिए आपके अंदर कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए कि आई एम ए पी एच डी होल्डर मुझसे ज्ञानी तो उस दिनों में है ही नहीं अगर आप ही सर्वज्ञानी होते आपको सारा काम आता तो आप चार लोगों को अपनी कंपनी में हायर नहीं करते तो आपके अंदर टीम वर्क वाली स्किल होनी चाहिए ग्रो टुगेदर मेक टुमारो बेटर एंड सबका साथ सबका विकास ये भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए आप सिंपथाइज्ड हो आपके अंदर एम्पैथ ही हो आप क्या करो लोगों को क्रिटिसाइज करने की जगह आप उनको ये बताओ कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज नहीं कर सकते और आप अपने अंदर मीन्स खुद की स्ट्रेटी को चेंज करोगे तो आप दूर तक जाओगे तो ये सारी चीजें होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर अब हम बात करेंगे की. की आपके अंदर फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसिय प्रॉब्लम आती है तो आप इतने कैपेबल हो कि आपको पता हो कि एमआरपी या फिर लेटेस्ट मार्केट रेट क्या है इस प्रोडक्ट का और हमारे प्रोडक्ट की सेल क्यों नहीं हो रही है या तो फॉर एग्जाम्पल uh, हम कैडबरी का एग्जाम्पल लेते हैं पहले कैडबरी का दिवाली सेलिब्रेशन पैकेजिंग नाम का प्रोडक्ट नहीं आता था अगर आप लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया हो तो डेयरी मिल्क सिर्फ चॉकलेट बनाती थी सिर्फ सिंपल चॉकलेट्स फिर उसने देखा कि मेरी सेल जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है तो उन्होंने सोचा दिवाली में लोग जो भी गिफ्ट देते हैं अगर मैं अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को कस्टमाइज कर दूँ नाम बदल दूँ दिवाली सेलिब्रेशन बाय कैडबरी तो लोग क्या करेंगे गिफ्ट में चॉकलेट्स देंगे और मेरी सेल्स क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है क्या हम उस प्रॉब्लम को अपने स्टैंड पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दूसरा आपका टेक्निकल स्किल आप ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए या फिर आप चार लोग ऐसे हायर करो जो आपका काम आपको करके दें नेक्स्ट टर्म है हमारा कम्युनिकेशन स्किल जिसका मतलब होता है कि आपकी कन्विंसिंग स्किल कितनी है आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को कोई भी टर्म समझा पा रहे हो और उस पर्सन को अपने फेवर में लेकर आ रहे हो उसको क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं ह्यूमन स्किल्स मीन्स आपकी हाइट अच्छी है पर्सनैलिटी अच्छी है यू कैन गो फॉर मॉडलिंग अगर आप वेट लिफ्टिंग में अच्छे हो तो आप आपको अपना करियर वेट लिफ्टिंग में बनाना चाहिए मीन्स बाय बर्थ या आफ्टर बर्थ आपने अपनी ह्यूमन स्किल्स को जिस डायरेक्शन में पॉलिश किया है आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए आपके अंदर लीडर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए मींस आप चार लोगों को अपने साथ में लेकर चलने लायक हो मींस कि आपको कुछ चीजें सुननी अच्छी लगती है कुछ चीजें सुनानी अच्छी लगती है आप सबकी बात को इक्वलाइज रखते हो आपका जो भी रिजल्ट होता है या डिसीज़न होता होता है, वो होता है। वो ट्रू एंड फेयर आप बायस नहीं हो, तभी आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आएंगी अब बात करेंगे हम की कोई एक मैनेजर होता है उसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है देखो मैनेजर मतलब जो ओवरऑल कंपनी का मैनेजमेंट देखेगा तो कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, कुछ इंट्रापर्सनल होती है इंटरपर्सनल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में होने वाले कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेशन बैरियर्स तो हमें वो सारी चीजें समझनी है और सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है तो एक लीडर जो है वो या एक मैनेजर है वो एंथोजिया होना चाहिए मीन्स आ उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को सीखने की या छोटे छोटे चीज़ों को अप्रिशिएट करने की एक स्किल होना चाहिए ताकि उसके साथ काम कर रहे लोगों को उसके साथ मजा आए उनको ये ना लगे कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं कि हमको सैलरी चाहिए वो उनको ये फील कराए कि यू आर द रियल पर्सन जिनके कारण कंपनी चल रही है ठीक है दूसरा पर्सन के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए पर्सन एंथजिया होना चाहिए एनर्जी फुल होना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए जिसको नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी दिखती हो, ठीक है तो ये कुछ क्वालिटीज एंड रोल्स हैं मैनेजर्स के जो हमने डिस्कस किए अब हम बात करेंगे कि अदर रोल्स क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने सबको मोटिवेशन दिया आपने सबके बारे में अच्छा अच्छा बोला और आप उन सारे पॉइंट्स को निगलेक्ट कर रहे हो जो उसके स्किल्स को डाउन कर रहे हैं तो आपको एक रोल ऑफ मॉनिटर भी निभाना है कि आप क्या करते हो अपने से जो सब ऑर्डिनेट पर्सनस उसको सुपरवाइज़ कर रहे हो उनसे कोई काम नहीं बन रहा है तो आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो तो ये सारे काम क्या एक मैनेजर के होते हैं मैनेजर का एक और बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई भी जैसे मैनेजर इज़ वेल क्वालिफाइड पर्सन उसको टर्म्स रूल्स एंड पॉलिसीज़ बहुत इजीली वे में समझ में आ जाती हैं तो उसका ये काम है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मिली है वो अपने से सबऑर्डिनेट तक वो इंफॉर्मेशन जनरलाइज कर कर पहुंचाए ताकि सब को कोई भी बात समझने में प्रॉब्लम ना हो फिर हम बात करेंगे डिसीजनल रोल्स अब कोई मैनेजर है मतलब वो एक्सपीरियंस में बढ़ा है या फिर क्वालिफिकेशन में बढ़ा है या फिर उसको दुनिया की समझ है तो आपको डिसीजंस लेने हैं कोई भी डिसीजन आपके इम्प्लॉयिज़ के वेलफेयर के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए ऑन्ट्राप्रनियर रोल का मतलब है कि यू मस्ट बी अ रोल मॉडल अमंग योर सबॉर्डिनेट्स सब जब आपको देखे तो आपको वो ये सोचे कि हाँ दैट पर्सन इज हैविंग अ लॉट्स ऑफ रिस्क बियरिंग कैपेसिटीज उस बंदे ने पाँच साल बिना प्रॉफिट लिए अगर किसी बिजनेस को आ, इंक्रीमेंट किया है या फिर बिजनेस को बनाया है तो वो क्या कहलाएगा ऑन्ट्राप्रन्य बनाएगा जिसका प्रॉफिट भी ज़्यादा रिस्क भी ज़्यादा जो मेहनत भी ज़्यादा करता है और जिसके पास स्टार्टअप आइडिया था और उसने स्टार्टअप आइडिया को एक स्मूथली रनिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया है ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं ऑन्ट्रप्रेन्योर बोलते हैं तो एक मैनेजर के अंदर भी ये क्वालिटी होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो आप क्या करो अपनी सूझबूझ से उस कंपनी को पटरी पर लेकर आओ एंड रोल 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 रिसोर्स एलोकेटर नेगोशिएटर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल हुई कॉन्फ्लिक या फिर चार इंप्लाइज की आपस में नहीं बन रही है तो आप उनको उनकी स्किल्स के साथ अप्रिशिएट करके इन चारों के बीच में क्या कर सकते हो कॉर्डिनेशन स्टेबलिश कर सकते हो अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया ठीक है तो मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसके बेसिकली तीन रोल हैं पहला है अपर लेवल मैनेजमेंट दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा है हमारा लो लेवल मैनेजमेंट तो बेसिकली होता ये है कि जो हमने हाई आर के रखा है मैनेजमेंट का कि लोअर लेवल मैनेजमेंट है देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपर लेवल मैनेजमेंट है तो अगर हम एग्जांपल की बात करें रिलायंस कंपनी की और उसके मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें टॉप लेवल पे कौन आते हैं फाउंडर्स आते सीईओज आते हैं सी आते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है सूज बोझ होता है जिनको पता है कि कंपनी को मार्केट में कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं लाइक मुकेश अंबानी ठीक है रतन टाटा ये सब क्या है अपर लेवल मैनेजमेंट में बैठने वाले लोग हैं फिर आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट जिसमें क्या होता है अलग अलग फील्ड लाइक एचआर फाइनेंस प्रोडक्शन मार्केटिंग ये सारे मैनेजर्स होते हैं जिनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि हमें अपनी कंपनी की ग्रोथ कैसे करनी है उसके लिए आप स्ट्रैटेजीज़ बनाइए छोटे छोटे गोल्स बनाइए उसके बाद नीचे आते हैं आपके लो लेवल मैनेजमेंट के लोग लाइक क्लर्क हुआ सेल्समैन हुए पीयून्स हुए या फिर छोटा छोटा काम करने वाले हमारे क्या हुए डेली वेजेस को लेने वाले वर्कर्स हुए तो ये लोग एक्चुअल काम करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं और उस कलेक्टिव इंफॉर्मेशन को मिडिल लेवल ऑफ़ मैनेजमेंट तक लेकर जाते हैं फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो अपनी सूझ बूझ के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये हमारा माइल्ड स्टोन है और ये टारगेट हमें इतने दिनों में अचीव करना है और वर्क रिपोर्ट बनाकर किसको देते हैं अपर मैनेजमेंट अथॉरिटी को देते हैं अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है मैनेजमेंट आर्ट है मैनेजमेंट प्रोफेशन है मैनेजमेंट पर वैसे हुए हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक समझे थे और हमने बोला था कि मैनेजमेंट साइंस है अब कोई भी चीज़ साइंस कब होती है कोई भी चीज़ साइंस तब होती है जब हम उसमें स्टडी करते हैं डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटी का मीन्स कोई भी चीज साइंस तब होती है जब वो किसी डिफाइंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है और उन प्रिंसिपल्स के बेस पे क्या करती है काम करती है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं साइंस बोलते हैं कोई भी चीज आर्ट कब होती है जब हम उसमें अपना दिमाग लगाते हैं क्रिएटिविटी लेके आते हैं इनोवेशन लेकर आते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं आर्ट बोलते हैं मैनेजमेंट साइंस इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन थिंक

सबका क्वालिफिकेशन अलग है स्किल्स अलग है अब मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं कि चारों बंदों को अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क असाइन करें ना तो चार लोग अपना अपना दिमाग लगा के अपनी स्किल्स को यूज करके चारों का काम करने का तरीका अलग होगा सबकी क्रिएटिविटी अलग होगी इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं आर्ट बोलते हैं साइंस प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ आर्ट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स साइंस हमें नॉलेज देती है लेकिन आर्ट हमको बताता है कि एक्चुअल में काम कैसे करना है हर इंसान अपनी अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके अलग अलग तरीके से काम करता है अ मैनेजर टू बी सक्सेसफुल इन हिस्स प्रोफेशन मस्ट अक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस एंड द आर्ट ऑफ अप्लाइंग इट एक अच्छा मैनेजर होता है जो क्या करता है साइंटिफिक तरीके से स्टडी करता है उसको रूल्स पता है प्रिंसिपल पता है लेकिन साथ साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग स्किल्ड पीपल से हम काम कैसे करा सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं आर्ट बोलते हैं अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अब मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे हुआ मैनेजमेंट तो प्रोसेस थी अब देखो पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंट है कि इंडिविजुअली अगर हम अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे इंडिविजुअल ग्रोथ चार लोगों के साथ मिलकर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चारों लोग सेम माइंडसेट के साथ वर्क करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कलेक्टिव ग्रोथ ठीक है तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इट्स अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हम किसी को भी बताते हैं कि हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हम क्या करते हैं उसको ऐसा नहीं है कि हम उसको स्टोरी सुनाने बैठ गए हम प्रॉपर उसको ब्रोशर देते हैं प्रोस्पेक्टस देते हैं बोलते हैं हम एम सी ए की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है हमने आर ओ सी से दस लाख रुपए की क्या है नॉमिनल कैपिटल मांगी हुई है तो हम क्या है सिस्टमिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ठीक है इसलिए हम क्या है एस प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हम उसी बंदों को हायर करेंगे जो वेल क्वालिफाइड होंगे जिनको काम करना आता है इट्स नॉट अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट थर्ड वन इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन हमने हर काम को करवाने के लिए उससे स्पेशलाइज्ड स्किलफुल पर्सन को हायर करके रखा हुआ है और जो पर्सन जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट है हम सिर्फ उससे वही काम कराते क्यों? क्योंकि हमें जो टारगेट अचीव करने हैं वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के थ्रू अचीव करने हैं। हमें टाइम पास नहीं करना है हमें लिमिटेड टाइम पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स हमारा कोई भी डिसीजन या कोई भी स्ट्रैटेजी सोसाइटी के वेलफेयर के सपोर्ट में होता है वी आर नॉट अ टेररिस्ट या फिर हम ऐसा कोई अनथिकल काम नहीं कर रहे हैं जो किसी को फिजिकली मेंटली या स्पिरिचुअली परेशान करेगा ओके okay? तो ये सारी चीजें थी हमारी की मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं प्रोफेशन क्यों बोलते हैं बिकॉज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें थॉट्स से लेकर जो चीज़ हमने सोची हुई है उसके ऊपर हम प्लानिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक गोल को अचीव करते हैं अगर हमसे अकेले काम नहीं हो रहा तो हम चार लोगों को हायर करेंगे उनको प्रॉपर सैलरी या देंगे, एथिक्स को फॉलो करते हुए हमने जो भी स्टोन बनाए हुए होते हैं उन सबको हम अचीव करते हैं तो मैनेजमेंट को समझने के लिए कुछ टर्म्स हमें आने चाहिए लाइक स्किल स्किल का मतलब होता है स्किल इज एबिलिटी टू डू समथिंग किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं स्किल रोल का मतलब होता है रोल मीन्स वट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सन इन अ जॉब अगर आप कहीं पे वर्कर हो या एम्प्लॉय हो तो आपसे जो भी एक्सपेक्टेशन की जाती है उसको बोलते हैं हम रोल मैनेजर का मतलब होता है अ पर्सन इज अ समन हु वर्क्स With and through other people by coordinating their works activities in order to achieve organizational goal. ek aisa person jo बाकी लोगों के साथ coordination के साथ मिलकर काम करता है ताकि हम क्या करें organization के achieve को optimum time में utilize करके लोगों की skills को अपना goal को achieve कर पाएं आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेन वे आपको मैनेजमेंट का मतलब फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक सारी चीजें समझ में आई होंगी फॉर एनी क्वायरी इन डाउट यू कैन मेल अस ऑन प्रगति डॉट का रेट बी ए यू डॉट इडीव अजफुल डे थैंक यू